Hello, friend. Hello. 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 हेलो हेलो फ्रेंड्स नमस्ते काल आज हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और इस गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में हम लोग मेकेनिकल से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जो थर्मल से रिगार्डिंग हैं आ, कुछ एक टॉपिक्स आपके बच सकते हैं अदरवाइज़ मैं कोशिश करूंगा सारे टॉपिक्स ही कवर करूं तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आज तो मैं थर्मो से स्टार्ट करूँगा थर्मो से जैसा कि पहले ही मैंने मेंशन कर रखा है तो आज थर्मो से स्टार्ट करूँगा यदि कोई प्रॉब्लम हो अगर स्क्रीन विजिबिलिटी सही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट कीजिए और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आके आप रिप्लाई कर सकते हैं तो आज से हम लोग गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें आज सबसे पहले थर्मो हम पेपर स्टार्ट करेंगे जिसमें कि थर्मोडाइनमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं सभी को पता है कि अराउंड आपको ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव मार्क्स होंगे इसमें थर्मोडाइनमिक्स है हीट एंड मास ट्रांसफर है आर एसी है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है और आपने सिलेबस देखा होगा अभी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का जो आया है इसमें आपको हीट मार्क उसके बाद साथ ही साथ जैसे ही टॉपिक एंड होगा हम इससे रिगार्डिंग जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं गेट में उस क्वेश्चन को भी लेंगे और उसको भी डिस्कस करेंगे तो आप कंटिन्यूटी में बने रहें हम फ्राइडे सैटरडे संडे को ये क्लासेज लेंगे और ये क्लासेस जो होगी इस क्लास में डाउट के डाउट भी आप ही क्लियर करेंगे और जो भी आपको अभी तक आप भी स्टडी कर रहे होंगे अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे इससे रिगार्डिंग तो आप वो क्वेश्चन भी रख सकते हैं पुटअप कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए ताकि मुझे पता चल जाए और यदि आपका को यहाँ पे स्क्रीन विजिबिलिटी नहीं हो तो भी आप कमेंट करके बताइए मैं कि सर ये स्क्रीन विजिबिलिटी सही नहीं है या जो भी है जो भी प्रॉब्लम हो रही है अगर सही है तो ठीक है ओके okay, तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे तो प्लीज़ आप रिप्लाई करें ताकि मैं उस हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकूँ क्योंकि आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ये स्टार्ट किया है लाइव स्ट्रीमिंग आज फर्स्ट टाइम हुआ है अभी तक हमने एलेवन ट्वेल्थ क्लास के बच्चों को जो आई जी वगैरह कर रहे थे उनको रिकॉर्डिंग वीडियो शेयर करता था चैनल पे आज से हमने लाइव क्लास शुरू किया है तो कुछ लोग ज्वाइन कर लें उसके बाद शुरू करते हैं अभी तक एक ही लोग ज्वाइन किए हैं तो आई होप कि कम से कम कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तैयारी करने के तरीके देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप थ्रू आउट अगर सब कुछ एक ही बार आप उठा के पढ़ना शुरू करेंगे तो नहीं होगा आप प्रैक्टिस सेट पे जाइए जितने भी आपने प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं उस प्रैक्टिस सेट पे जाइए प्रैक्टिस सेट को उठाइए और प्रैक्टिस सेट कीजिए क्योंकि आपने भी पढ़ा है चार साल पढ़ा है चार साल में आपने देखा कि क्या पढ़ा है। अगर उस तरह से पढ़ेंगे तो चार साल की चीज़ें दो महीने तीन आपके पास कितने बचे अक्टूबर नवम्बर दिसंबर एंड फरवरी फर्स्ट वीक में आपका पेपर होना तो चार महीने में आप चार साल की चीज़ें कवर नहीं कर सकते करना क्या है उसको हैबिट में लाना है कैसे है तो जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उसमें उसको लीजिए ठीक है एक बार देखिए और उस पर बेस जो आपके क्वेश्चन सेट्स हैं उसको कीजिए जितना आप क्वेश्चन सेट करेंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को रिकॉग नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी इस चीज़ों को पढ़ा है तो हमें करना क्या है उसको रिमाइंडर करना है उसको हमें गेटअप करना है कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़े थे वो हमारे से फिर रिमाइंड हो जाए उस चीज़ को हम टेकअप कर ले कवर कर ले तभी जाके ये चीज़ें होगी अदरवाइज आप सोचेंगे कि जब मैं फिर से थर्मोडाइनमिक्स पूरा शुरू से पढ़ूँ और उसको पूरा कंप्लीट करूँ तो ये संभव नहीं थर्मो डायनिक्स पढ़ू एच एम टी पढ़ू थोम टोम डिजाइन पढूं, एवरीथिंग ये सब चीज़ें नहीं हो सकता बेटा आप चाह के भी चाहेंगे ये सब कुछ मैं पढ़ूँ पढ़ पर के तब करूँ नहीं होगा आपको रिवाइज करना है माइनर रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चन सेट सोल्व करने हैं जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सेट सोल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा और चीज़ों को आप रिजोल्व कर सकते हैं मैं भी यहाँ जो पढ़ाऊँगा आपको बस वही टॉपिक में डिस्कस करूंगा जो थर्मो में या एच में रेफ्रिजरेशन में जो भी पेपर में आपको डिस्कस करूँगा उसमें जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं वही चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं चीज़े है, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं उस चीज़ों को डिस्कस करूँगा तो आपके पास उतनी टाइम नहीं है आप उतना टाइम दे नहीं सकते हैं और उस चीज़ों को करने से हमें बेनिफिट भी नहीं होगी ठीक है तो ये चीज़ें आज हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग थर्मोडाइनमिक्स आज स्टार्ट करते हैं आज रिविजन टाइप का चलेगा आपको तो चीज़ें जैसे जैसे मैं बताऊँगा वैसे वैसे रिमाइंड होता जाएगा तो आप उस चीज़ को टेकअप करते जाएंगे कि क्या है ठीक है अभी तक दो लोग ज्वाइन किए हैं कुछ और लोग ज्वाइन कर ले पाँच मिनट और देख लेते हैं फिर मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्या है सबसे पहले थर्मो आखिर होता क्या है आपने पढ़ा होगा बी में पढ़ा है कि थर्मो ये थर्मो होता क्या है एक्चुअल में देखा जाए जा तो थर्मो जो है वर्ड ये थर्मिक वर्ड से बना है थर्मिक क्या है थर्मिक जो है ग्रीक वर्ड है और दिस वर्ड ये ग्रीक, ग्रीक वर्ड जो है इसका मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग होता है हीट थर्मिक मीन्स क्या होता है आपका हीट होता ये ग्रीक वर्ड है और डायनामिक्स एवरी वन दैट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कैनामेटिक्स एंड डायनामिक्स आपने एलेवंथ में भी पढ़ा ट्वेल्थ में भी पढ़ा कैनामेटिक्स में हम लोग मोशन का स्टडी करते थे डायनामिक्स में क्या करते थे इफेक्ट ऑफ द फोर्स के बारे में स्टडी करते थे तो यहाँ पर क्या है द थर्मोडाइनमिक्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट थर्मोडाइस इफेक्ट ऑफ द हीट इट मे बी पावर और एनर्जी दो ही इफेक्ट हो सकता है हीट का क्या इफेक्ट हो सकता है या तो पावर होगा या फिर क्या हो सकता है एनर्जी होगा ठीक है तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं जो थर्मोडाइनमिक्स है उसमें इफेक्ट ऑफ द हीट के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या इफेक्ट हो रहा है हीट का क्या चीज़ें उसमें आ, क्या क्या फिनोमेना होते हैं कैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं उस चीज़ें के बारे में स्टडी करेंगे आपके स्क्रीन विजुअल नहीं है तो आप रिप्लाई करो आई थिंक स्क्रीन उतना क्लियर नहीं थी विजिबल है hmm. विजिबिलिटी नहीं है तो आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं रिप्लाई जब तक आएगा नहीं हमें कैसे पता चलेगा सर ऑन स्टडी फ्लो इनर्जी इक्वेशन शिवम राजपूत बेटा स्क्रीन विजुअल है राजपूत आपका स्क्रीन ये विजिबिलिटी नहीं है मुझे स्क्रीन सही करने दीजिए फिर मैं अन एस और एस फ्लो में चलता हूँ मैं आपको सब कराऊंगा एस भी कराऊंगा अन एस भी कराऊंगा क्योंकि गेट में जनरली अन एस आता है स्क्रीन को मुझे सही करने दीजिए आपकी कहाँ गया मोबाइल लिखना है या अब सही है फिर भी नहीं नहीं अभी भी नहीं है नहीं है इस पर कहा दिख रहा है यहाँ तो इसमें तो दिख रहा है इसमें नहीं दिख रहा तुमने वो डार्क तो नहीं कर रखा सो so, वो करो ब्राइट, वो नहीं दिख रहा था। ब्राइट करो हाँ दिख तो रहा, दिख रहा, है। तो दिख रहा। फिर भी अभी तो भी अभी भी उतनी क्लियरटी नहीं है अब? अभी भी उतनी क्लियरटी नहीं है जितनी क्लियरटी होनी चाहिए उतनी क्लियरटी नहीं है यस सर विजुल है हर्ष बोल रहा है विजुल है हर्ष बोल रहा है विजुल है इसका मतलब तुम्हारे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है देखो इसको है, तो ठीक है बेटा विजुल है तो चलो शुरू करते हैं तो आ, आप थर्मो के बारे में अभी हम लोग देख रहे थे तो थर्मो क्या है एस टी डी अनएसटी डी थोड़ा सा उसको रिवाइज कर ले उसके बाद एक ही बार अन पे जाएंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा पहले एस देख ले फिर अन देखते हैं ठीक है तो थर्मिक वर्ड जो यूज हुआ ये जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब क्या है डायनामिक्स जब आप फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो कानामेटिक्स और डायनामिक्स पर आता है दैट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स मतलब यहाँ पर क्या होगा इट इज द इफेक्ट ऑफ द हीट तो वो क्या हो जाएगा थर्मो इफेक्ट ऑफ द हीट इट मे बी पावर और द इनर्जी दो ही फॉर्म में आ सकते हैं ये क्या सकता है पावर हो सकता है या फिर इनर्जी हो सकता है ठीक है तो ये क्या कहलाता है आपका यही कहलाता है आपका थर्मोडानेमिक्स तो हम क्या करेंगे थर्मोडाइनेमिक्स में किसके बारे में स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ द हीट के बारे में स्टडी करते हैं ये कैसे हीट आपका वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है क्या उसका कन्वर्जन रेट होता है कैसे वो कन्वर्ट करता है ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में देखेंगे ठीक है कि थर्मोडाइनमिक्स में क्या क्या इफेक्ट है तो अभी आपने देखा कि थर्मोडाइनमिक्स क्या है थर्मोडाइनैमिक्स का मतलब है दैट इज द इफेक्ट ऑफ द हीट इट मे बी पावर और इनर्जी तो थर्मोडाइनमिक्स ये होता है तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि थर्मोडाइनमिक्स में मिलने क्या होता है थ्री ईज़ होते हैं थ्री ईज़ कौन कौन तीन ईज होते हैं तीन थ्री ईज़ के बारे में स्टडी करते हैं फर्स्ट ई फॉर इनर्जी फर्स्ट ई इज इनर्जी सेकेंड ई इज वाट इंट्रोपी एंड थर्ड ई इज इक्लुब्रियम ये तीन चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं. ये थ्री चीज थ्री इज यही है जो थर्मोडाइनिक्स क्या है थर्मोडाइनिक्स इज द इफेक्ट ऑफ द हीट इफेक्ट ऑफ द हीट इट मे बी एनर्जी और द पावर एंड वी आर स्टडी थ्री इज इन थर्मोडाइनिक्स क्या क्या स्टडी करते हैं हम लोग एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं इंट्रोपी के बारे में स्टडी करते हैं एंड इक्लिब्रियम के बारे में स्टडी करते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं अनस्टडी फिर से आ रहा है बेटा मैं अनस्टडी कराऊंगा हाँ सर सब विजबल है ठीक है ओके यहाँ पे इसको इसमें लॉग इन कर दो इसको ताकि पता चलो तो आपको मैं थ्री ईज के बारे में ये इनर्जी इंट्रोपी एंड इक्लिब्रियम इनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्माटाइस सब जानते हैं क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी है इनर्जी के बारे में ही हम लोग देखते हैं एक ऐसे फ्लो रहा है जिसमें अभी आप शिवम राजपूत ने बोला कि स्टडी और अनस्टडी के बारे में सर बता दीजिए अनस्टडी फ्लो के बारे में तो अनस्टडी फ्लो वो क्या है इनर्जी बेस पे है ठीक है स्टडी फ्लो अनस्टडी क्या होता है जिसमें कि आपका जो सिस्टम है उसमें टेम्परेचर के साथ चीज़ें वैरी करेगी अगर टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं करेगी तो वो क्या कहलाएगा स्टडी कहलाएगा टेम्परेचर टाइम के साथ अगर वैरी नहीं कराएगा एवरी बेयर कॉन्स्टेंट होगा तो वो स्टडी फ्लो कहलाता है यदि आपका टाइम के साथ वैरी कर रहा है तो वो अनस्टडी कहलाता है ठीक है तो हम लोग इसमें देखेंगे एनर्जी के बारे में देखेंगे इंट्रोपी के बारे में देखेंगे एंड इक्लुब्रियम के बारे में देखेंगे मैं फटाफट जो चीजें हैं मैं सबको रिवाइज कराता जाऊंगा ताकि आपको रिमाइंड हो जाए इसमें आपको अगर आपको थर्मल का ये बना हुआ है नोट्स तो ठीक है ना तो वीडियो बना रहेगा आप वीडियो से इसको आप रिवाइज कर सकते हैं लिखने की इतनी जरूरत है नहीं आप नोट्स बनाएंगे बहुत टाइम कंज्यूम होगा हमें रिवाइज करना है न्यूमेरिकल्स देखने हैं ठीक है तो जितने भी हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हमें क्वेश्चन इसमें पुटअप करने तो मैंने क्या क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज द थर्मोडानेमिक्स एंड थर्मोडानेक्स में क्या क्या स्टडी करेंगे हम लोग एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे इंट्रोपी के बारे में स्टडी करेंगे एंड इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे अब एनर्जी क्या है तो एनर्जी सभी जानते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क की जिन्होंने एनर्जी ठीक है तो अब इसमें थर्मोडाइनेस में हम लोग एनर्जी के बारे में क्या करेंगे तो कैसे हमारा हीट एनर्जी आपका जो है जो थर्मल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में जो कन्वर्ट होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे ठीक है उसके बाद इंट्रोपी जितने भी हमारे सिस्टम हैं यूनिवर्स में जितने भी सिस्टम हैं वो हंड्रेड परसेंट आपका परफेक्ट सिस्टम नहीं होता सिस्टम क्या है वो परफेक्ट नहीं होता है उसमें कुछ इम है कुछ लॉसेस हैं तो उस लॉस के बारे में अगर कहीं भी सिस्टम में कोई लॉस हो रहा है तो वहां पर क्या है इंट्रॉपी है इंट्रोपी तभी होगा जब सिस्टम क्या होगा आपका इ होगा अब रही बात की रिवर्सबल सिस्टम क्या होता है इ सिस्टम क्या होता है तो सबसे पहले आप देखिए मैं आता हूं पहले मैक्रो और माइक्रो पे थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दो कि मैक्रो सिस्टम क्या होता है एंड माइक्रो सिस्टम क्या होता है थ्री स्टूडेंट्स हैं शिवम राजपूत हर्ष भारद्वाज एंड एंड वनली शिवम राजपूत दो बार शिवम ठीक है तो दो स्टूडेंट हैं यहाँ पे शिवम राजपूत हाँ सर सर विजुअल है ऑल क्लियर ठीक है ओके चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माइक्रो एंड माइक्रो के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें देखिए माइक्रो क्या होता है माइक्रो प्रॉपर्टी जो है माइक्रो माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो लेटेस्ट कंसीडर कि हमारे पास कोई सिस्टम है ये सिस्टम है ये क्या है सिस्टम है अब सिस्टम क्या होता है तो सिस्टम के लिए आपको बता दी ये आपका सिस्टम है ठीक है थर्मोडाइनमिक सिस्टम है तो सिस्टम क्या होगा एनी थिंग अवेलेबल इन द यूनिवर्स ऑन विच आवर फोकस आवर अटेंशन कंसर्न फॉर द स्टडी इज एज सिस्टम ये आपका मार्कर हो सकता है ठीक है ये आपके पास जो पेन है वो हो सकता है आपका जो नोटबुक है वो हो सकता है ये डस्टर है ये हो सकता है ठीक है एनी थिंग्स अवेलेबल इन द यूनिवर्स इज नोन एज सिस्टम तो ये हमारा सिस्टम होता है ठीक है अब सिस्टम के अलावा जो बाहर में जितने भी चीज़ें हैं उसको तो क्या बोलते हैं हम लोग सराउंडिंग्स बोलते हैं अब एक लाइन होता है जो क्या करता है सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है दैट मीन्स यहाँ इसके चारों तरफ जो अवेलेबल है ये सब सारी चीजें ये क्या कहलाएगा आपका सराउंडिंग कहलाएगा और ये क्या कहलाता है आपका बाउंड्री लाइन कहलाता है इसको हम लोग क्या करते हैं बाउंड्री लाइन जो क्या करता है सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट आउट करता है वो आपका बाउंड्री लाइन कहलाता है ठीक है तो ये हो गया सिस्टम ये हो गया आपका सराउंडिंग इससे भी क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिएगा कि क्या है ये ठीक है जैसे क्वेश्चन आएंगे क्या सिस्टम मे बी इमेजनरी और फिक्स ठीक है तो सिस्टम क्या इमेजनरी होगा या फिक्स होगा इस तरह के क्वेश्चन आपको पुटअप होते हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा ठीक है तो सिस्टम क्या है सिस्टम जो हो सकता है आप कोई भी चीज़ कंसर्न कर सकते हैं तो ये आपका अगर ये सिस्टम इंडिविजुअल थिंग्स है तो वो फिक्स होगा ठीक है लेकिन अगर इसका शेप एंड साइज वेरी कर रहा है तो वो क्या होगा इमेजिनरी भी होगा सपोज दैट कि हमने ये स्पेस कंसीडर किया स्टडी के लिए अब हमने ये कंसीडर किया फिर ये किया तो एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या आ रहा है जो जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं वो स्पेस चेंज हो रहा है तो ये क्या हो सकता है ये फिक्स भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है बहुत थिंग्स हो सकता है दोनों ही केसेज हो सकते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा ठीक है उसके बाद तो सिस्टम हो गया अब रही बात कि माइक्रो एंड मैक्रो की बात करें तो माइक्रो क्या होता है अब ये सिस्टम है इस सिस्टम को हम लोग इसमें नंबर्स ऑफ मोलिकूल होंगे इसमें क्या होंगे ह्यूज नंबर्स ऑफ इतने बड़े सिस्टम है जो वॉल्यूम है पूरा वॉल्यूम जो करता है उसमें ह्यूज नंबर्स ऑफ मोलिक्स होंगे ऑन एवरी मोलिकूल के डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट होंगे डिफरेंट इफेक्ट इफेक्ट करने का मतलब किसी के बेलोसिटी कुछ होंगे ठीक है जो आपस में मोलिकुलर इंटक्शन हो रहा था उसके कुछ होंगे ठीक है तो होता क्या है माइक्रो का मतलब क्या है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अगर लेते हैं आप माइक्रो एम ए सी आर ओ माइक्रो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि हम लोग माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक एंड दूसरा होता है आपका माइक्रो माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा ये हो गया आपका फर्स्ट वन माइक्रो एंड ये है आपका माइक्रो ठीक है अब सिस्टम जो बना होता है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं इसमें क्या है ह्यूज नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे और उस मॉलिक्यूल्स में क्या नंबर्स ऑफ एटम्स हैं ठीक है तो होता क्या है जब हम सिस्टम को कंसीडर करते हैं अगर इसका कोई पार्टिकुलर प्रोपर्टीज हम उठाएंगे तो ओवरऑल इंपैक्ट जैसे पार्टिकुलर प्रेशर हमें इस सिस्टम का प्रेशर मेजर करना है तो प्रेशर क्या है जो पर यूनिट एरिया पे जो मॉलिक्यूल्स के द्वारा फोर्स लग रहा है दैट इज नोन एज प्रेशर अब रही बात की क्या एक मोलिकूल्स की बात कर रहे हैं हम दो मोलिकूल्स की नहीं ह्यूज नंबर्स ऑफ इस सिस्टम में जितने भी मोलिकूल्स होंगे सभी का जो ओवरऑल इफेक्ट होगा ओवरऑल इम्पेक्ट जो होगा वही क्या बताएगा हमारा प्रेशर बताएगा टेम्परेचर क्या होगा टेम्परेचर की अगर बात करें तो एक इंडिविजुअल मोलिकूल्स के टेम्परेचर नहीं होंगे जितने भी इसमें मोलिकूल्स होंगे सभी का अगर हम टेम्परेचर मेजर करें और ओवरऑल इफेक्ट यानी कि एवरेज वैल्यू जो निकाले वही क्या बताएगा इसका टेम्परेचर बताएगा इसका टेम्परेचर बताएगा इसका प्रेशर बताएगा तो किसी भी सिस्टम का जो हम पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर जो मेजर करते हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर क्या है वो ओवरऑल इफेक्ट है इसमें जो ह्यूज नंबर्स ऑफ मोलिकुल्स हैं, उसका इफेक्ट है ह्यूज नंबर्स ऑफ मोलिकूल होंगे उसका ओवरऑल यानी कि एवरेज इफेक्ट जो है वो है और वही क्या बताता है हमारा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यानी कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बताता है टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है किसी भी सिस्टम का माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक नॉट माइक्रो माइक्रोस्कोपिक आपका प्रॉपर्टीज है मतलब माइक्रो में क्या होगा किसी भी मटेरियल्स के हम लेंगे और उसमें जितने भी मोलिकूल्स होगा उसका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा उसको हम देखेंगे और वो ओवर ऑल इफेक्ट जो देगा वो क्या बताएगा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बताएगा क्लियर है माइक्रो में क्या करेंगे माइक्रो में आपको इंडिविजुअल मोलिकूल्स की प्रॉपर्टीज स्टडी होती है माइक्रो माइक्रो कहने का मतलब इसमें जो ह्यूज नंबर्स ऑफ मोलिकल्स है वन मोलिकल्स की वेलोसिटी क्या है वन हैोलिकूल्स की टेम्परेचर क्या है वन मोलिकूल पर सेकंड जो स्ट्राइक आउट कर रहा है वो क्या है वो क्या बताता है आपका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं थर्मोडाइनमिक्स में स्टडी करते हैं इसको आपका क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स में स्टडी करते हैं माइक्रो को क्लासिकल में एंड माइक्रो को एस्टेटिकल थर्मोडाने में स्टडी करते हैं तो सिंपल सा बात क्या है माइक्रो और माइक्रो में क्या है माइक्रो जो होता है ओवरऑल इफेक्ट होता है एवरेज इफेक्ट होता है माइक्रो क्या होता है आपका इंडिविजुअल मोलिकूल्स के बारे में स्टडी करते हैं इंडिविजुअल मोलिकूल्स को जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं वो होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच माइक्रोस्कोपिक जो स्टेटिकल थर्मोडाइनमिक्स है उसको आप लोगों ने अभी स्टडी नहीं किया है और इसको ऐसे नेक्ट आई से स्टडी करना मुश्किल है क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स एक मटेरियल है ठीक है पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है उसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के लेवल पर क्या हो रहा है हम आई से स्टडी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए जो हो आ, उससे हम स्टडी कर सकते हैं लेकिन मैक्रो क्या है हम ईजिली बाय द सेंस के थ्रू जैसे क्या कि किसी बॉडी का टम्परेचर मेजर करना है आप उस बॉडी को टच कीजिए आपको बाय द सेंस आप पता कर सकते हैं उस बॉडी का प्रेशर लेना है आप प्रेशर गैस लगाइए आप फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन इंडिविजुअुअल मोलिकूल्स का इस सिस्टम इंडिविजुअल मोलिकूल्स की वेलोसिटी क्या है टेम्परेचर क्या है उसको हम आप मेजर ऐसे नेक्ट आई से नहीं कर सकते इंटेंसिव एंड टेम्परेचर अभी अभी इंटेंसिव पे आते हैं अभी ठीक है तो मैक्रो एंड माइक्रो क्लियर हो गया ठीक है अब ये बात सिस्टम जो है अब इस सिस्टम को देखते हैं तो सिस्टम कितने तरह के होते हैं तो सिस्टम बेटा तीन तरह के होते हैं सिस्टम तीन तरह के होता है ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम ओपन सिस्टम का मतलब क्या है कि जब सिस्टम में आपका ओपन सिस्टम है ठीक है ओपन सिस्टम में क्या होगा आपका मास भी एंटर करेगा मास कैन इन एंड मास कैन आउट क्या हो जाएगा इसमें मास इन कर सकता है और मास आउट हो सकता है तो ये ओपन उसके बाद एनर्जी भी इन कर सकता है इसमें इनर्जी भी इन करेगा और इनर्जी भी क्या हो सकता है आपका आउट हो सकता है तो वैसा सिस्टम जिसमें क्या होगा मास एंड एनर्जी कैन इंटर एंड तो आउट फ्रॉम द सिस्टम इज नोन तो एज आपका ओपन सिस्टम इसको क्या बोलेंगे है? हम लोग इसको बोलेंगे ओपन सिस्टम ठीक है क्लोज सिस्टम में क्या होगा क्लोज सिस्टम में ओनली इनर्जी कैन इंटर एंड एनर्जी कैन आउट दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम ठीक है अब रही बात की एग्जाम्पल में क्या होगा तो आप अगर सॉरी ये आपका क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम में एनर्जी ओनली इंटर करेगा एनर्जी आउट होगा तो ये क्या कहलाएगा आपका सर आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट फ्रॉम आर के जी सी ओके बेटा शिवम राजपूत हाँ नाम सुना है मैंने पता है ठीक है हर्ष भारद्वाज फ्रॉम आर के जी आई टी तुम आर के जी सी से हो गुड तैयारी कर रहे हो अच्छे से तैयारी करो जितना हो सकता है मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा जितना यहां करा सकता हूं कर सकता हूं ठीक है बेटा चलिए तो क्या है कि ये जो एनर्जी आपका इन करेगा आउट करेगा आरके जी सी वाले को तो मैंने थर्मोटैक्स पढ़ाया है तो आपको याद होना चाहिए कि ये क्या मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें मैंने इसी तरह से पढ़ाया वहां पर तो एनर्जी इन एनर्जी आउट हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका क्लोज सिस्टम कहलाएगा जब इसमें मास और एनर्जी दोनों इंटर करेगा दोनों आउट होगा तो क्या कहलाएगा आपका ओपन सिस्टम कहलाएगा अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब देर इज नो इंटरएक्शन विद द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इसका क्या होगा सराउंडिंग के साथ कोई भी इंटरेक्शन होगा ना ही आपको इसमें मास इंटर करेगा ना ही आपका क्या करेगा एनर्जी इंटर करेगा और ना ही इससे आ, इसमें कुछ आएगा ना ही कुछ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम इसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम अब मैं बता रहा था एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे ओपन सिस्टम है तो ओपन सिस्टम में मास भी इंटर कर सकता है इनर्जी भी इंटर कर सकता है जैसे पंप है आपका जो आपका पंप होता है उसमें क्या होता है आपका वाटर भी इंटर करता है हम इनर्जी भी इनपुट करते हैं पंप से हमारा क्या होता है वाटर को पंपिंग करते हैं यानी सर्टेन प्रेशर पर हम ले जाकर उसको रिलीज कर देते हैं ठीक है तो उसमें एनर्जी आउट भी होता है और मास भी आउट होता है दैट इज द ओपन सिस्टम सेकेंड क्या है आपका क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हो गया जैसे कि पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है जो हम लोग टू स्टॉक फोर स्टॉक इंजन जो भी यूज करते हैं ठीक है या फिर ऐसा सिस्टम टू स्टॉक आपका पिस्टन सिलेंडर सिस्टम कि जिसमें एक सर्टेन गैस या लिक्विड आपने उसमें स्टोर कर रखा है और बाहर से हीट को सप्लाई करा उसमें से ना कुछ बाहर निकल रहा है मेटेरियल ना ही कुछ अंदर जा रहा है तो जो एनर्जी इन कर रहा है ओनली एनर्जी आउट हो रहा है आपने एक्सटर्नली कुछ एनर्जी उसमें सप्लाई कर रहे हैं ठीक है उसकी वजह से क्या ये हो रहा है तो ये क्या कहलाता है आपका आपका क्लोज सिस्टम कहलाता है आइसोलेटर सिस्टम की बात करें तो इनवर्स इज ए वंडरफुल आइसोलेटर सिस्टम इससे बेटर आपका एग्जाम्पल नहीं हो सकता है हाँ सर कॉपी भी है अभी तक <laughs> चलो अगर कॉपी है हाँ पिस्टन सिस्ट सिलेंडर सिस्टम विथ अ वाल्व क्लोज इज कॉल्ड हाँ आइसोलेटेड है दैट मीन्स कहने का मतलब कि इन साइड द सिस्टम से कोई भी बाहर नहीं जाएगा नहीं बाहर से कुछ अंदर को आएगा मटेरियल नहीं जाएगा सिर्फ एनर्जी इंटर करेगा एनर्जी आउट करेगा तो वो आपका क्लोज सिस्टम कहलाएगा तो ये हो गया आपका तीन तरह के सिस्टम होंगे ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम अब देखते हैं हम लोग कि थर्मोडाइनैक् प्रॉपर्टीज क्या होता है बता सकते हो शिवम थर्मोडाइनैक् प्रॉपर्टीज देखिए थर्मोडाइनिक प्रॉपर्टीज क्या जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि यदि कोई स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सपोज दैट अब आपके पास कोई सिस्टम है जो क्या कर रहा है एग्जीक्यूट कर रहा है ये आपका पी वी डाइग्राम सपोज दैट मान लिया यहाँ पे सिस्टम है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका प्रॉपर्टीज है पी वन एंड बी वन ठीक है यहाँ पे आ गया तो ये हो गया आपका पी टू एंड बी टू यदि बोरिंग लग रहा था तो बता देना बेटा तो फिर चेंज कर देंगे टॉपिक चेंज कर लेंगे ठीक है तो ये P1 और V1 क्या है हाँ सर कॉपी है पिस्टन सिलेंडर ठीक है सर दो तरह की इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव शिवमराजपुर सर स्टेट को बताता है सिस्टम हाँ गुड देखिए जो थर्मोडोनिक प्रॉपर्टीज होता है वो क्या करता है एक पार्टिकुलर स्टेट को बताता है थर्मोडोनिक प्रॉपर्टीज क्या होता है द दर्मोडोनिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम इंडिकेट दैट द स्टेट पार्टिकुलर स्टेट पार्टिकुलर लोकेशन पार्टिकुलर सिचुएशन ऑफ द सिस्टम क्यों पार्टिकुलर जो लोकेशन पे पार्टिकुलर सिचुएशन पे उसकी प्रॉपर्टीज जो होता है थर्मोडाइनिक प्रॉपर्टीज उसके फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करता है अगर सपोज दैट कोई सिस्टम यहां पे है ठीक है और इसका प्रेशर

फिजिकल एवेबिलिटी ऑफ द सिस्टम की उस पार्टिकुलर स्टेट में उस सिस्टम का क्या स्टेट है ठीक है किस तरह के फॉर्म में वो फाइंड आउट होता है वो उसका क्या करता है वो बताता है कि वो जो सिस्टम है किस तरह के फॉर्म में वो है ठीक है फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करता है तो ये जो पार्टिकुलर आप देख रहे हैं पी वन वन एक पार्टिकुलर स्टेट वन को इंडिकेट करता है ठीक है ये क्या कर रहा है पार्टिकुलर स्टेट टू को इंडिकेट करता है तो स्टेट क्या है पार्टिकुलर कोई भी सिस्टम का जो स्टेट होता है वो क्या करता है जो उसके थर्मोडानिक प्रॉपर्टीज जो होता है एक पार्टिकुलर एक डिफिनिट स्टेट को एक डिफिनिट प्रॉपर्टीज क्या करता है एक डिफिनिट स्टेट को इंडिकेट करता है तो ये डिफिनिट प्रॉपर्टी जो है इस पार्टिकुलर डिफिनिट स्टेट को इंडिकेट करता है ये डिफिनिट प्रॉपर्टी जो है इस पार्टिकुलर डिफिनिट स्टेट को इंडिकेट करता है तो थर्मोडानिक प्रॉपर्टीज क्या होता है किसी भी सिस्टम का जो आपको थर्मोडाइनेक प्रॉपर्टीज होता है वो क्या करता है एक पार्टिकुलर स्टेट को इंडिकेट करता है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते थे वाई एंड एक्स था तो एक्स वन वाई वन ये इस पार्टिकुलर स्टेट को इंडिकेट करेगा ये आपका एक्स टू वाई टू इस पार्टिकुलर लोकेशन को इंडिकेट सिमिलरली यहां पर थर्मोडाइनेक्स में क्या करते हैं ये हम लोगों को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास यस इंटेंसिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास बट द एक्सटेंसिव इज डिपेंडेंट ऑन द मास चलिए इसको क्लियर करते हैं तो आपको समझ में आ गया कि स्टेट क्या है स्टेट ऑफ एनी थर्मोडानाइक सिस्टम इज द इज ए पार्टिकुलर स्टेट दैट इंडिकेट दैट व्हाट इज द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ठीक है तो ये क्या कहता है आपका कि जो थर्मोडानेकिक सिस्टम जो होता है जो स्टेट होता है वो क्या करता है एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है ठीक है और उस पर, वो प्रॉपर्टीज क्या करता है उस सिस्टम के जो एग्जिस्टेंस है उसको इंडिकेट करता है तो ये है आपका स्टेट थर्मोडाइनैक् प्रॉपर्टीज क्या है थर्मोडाइनैक प्रोपर्टीज जो होता है वो सिस्टम के फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करता है ठीक है अब दो तरह के थर्मोडानेकिक प्रॉपर्टीज होते हैं दो तरह के होते हैं कौन होता है जो अभी आप लोग बता रहे थे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो तरह के हो गए फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव ठीक है एंड सेकेंड वन इज इंटेंसिव एक्सटेंसिव थर्मोडाइनिक प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव थर्मोडाइनिक प्रोपर्टी ठीक है तो एक्सटेंसिव कहने का मतलब क्या है कि ऑल प्रॉपर्टी थर्मोडाइन डिपेंडेंट्स ऑन द सिस्टम इज नोन एज एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ये क्या होगा ये जो होगा आपका होगा? मास डिपेंडेंट ये, ये होगा आपका मास डिपेंडेंट ये क्या होगा मास इंडिपेंडेंट ये होगा आपका मास इंडिपेंडेंट मास से इंडिपेंडेंट होगा ये फर्स्ट वन जो है आपका जो एक्सटेंसिव है वो मास डिपेंडेंट होगा फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम क्या होता है मास डिपेंडेंट होता है जितना ज्यादा आपका वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा क्या होगा मास होगा क्योंकि मास इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इन टू डेंसिटी ये डेंसिटी हो गया वॉल्यूम तो क्या है मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे मास बढ़ेगा तो ये क्या कहलाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा मास हो गया उसके बाद एनर्जी सेकेंड इज द एनर्जी एनर्जी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द मास इक्वल टू एम सी मास पर डिपेंड करता है तो मास एनर्जी ये क्या हो गया आपका ये सब क्या है आपका ये वॉल्यूम ये सब क्या है आपका मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं ठीक है सपोज दैट एक हमारे पास सिस्टम है जो ये है और दूसरा ये है तो दोनों का देखिए इसका मास हो गया एम वन इसका मास हो गया एम टू एंड एम टू इज ग्रेटर देन एम वन तो इसकी प्रॉपर्टीज जो होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एम टू की ज्यादा होगी और एम वन की

ठीक है अब इसकी टेम्परेचर हमें मेजर करना है इसका टेम्परेचर मेजर किया तो T1 इसका टेम्परेचर मेजर किया तो T2 ठीक है अब इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए दो पार्ट में इसको भी इसको भी डिवाइड कर दिए आप दोनों पार्ट का फिर से अब जब मेजर करेंगे टेम्परेचर दोनों का तो इसका भी टेम्परेचर अगेन टी है और इसका भी टी है अब आप थ्री पार्ट्स में डिवाइड कीजिए नंबर्स ऑफ पार्ट्स में फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिए छोटे-छोटे पार्ट्स का भी टेंपरेचर लेंगे तो वो क्या होगा सीमित होगा t1 एंड t2 है तो t1 एंड t2 ही होगा टेंपरेचर मास के क्वांटिटी बढ़ाने से घटाने से वैरी नहीं कर रहा ठीक है तो ये क्या रहेगा ये कहलाएगा आपका टेंपरेचर जो टेंपरेचर किस पे डिपेंड कर रहा है क्या होगा हम देखते रहते क्यों देते तो ये जो है आपका टेम्परेचर जो है वो मास पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा सिमिलरली अगर हम बात करें प्रेशर की यदि प्रेशर की बात करें तो आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए आप मटेरियल को तो प्रेशर वैरी नहीं करेगा लेकिन वॉल्यूम वैरी कर रहा था तो वॉल्यूम क्या था मास डिपेंडेंट था लेकिन प्रेशर क्या है मास इंडिपेंडेंट है अब जो पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा जितने भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है जितने भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है उसको अगर आप स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में स्टडी करेंगे तो वो सारे क्या होते हैं आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है जैसे इंट्रोपी की बात करें ठीक है इंट्रोपी स्पेसिफिक इंट्रोपी की बात करी स्पेसिफिक इंट्रोपी स्पेसिफिक इंट्रोपी इज एक्सटे इंटेंसिव प्रॉपर्टी जबकि आपका ट्रोपी क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी अब यहां पे आप देख लीजिए आपका क्या था वॉल्यूम की बात कर रहे थे अगर मास प... पर यूनिट की बात करेंगे वॉल्यूम पर यूनिट मास मास क्या हो जाएगा जो भी प्रॉपर्टी आएगा से आपने जैसे स्पेसिफिक इंथेल्पी स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंथेलपी को क्या किया आपने इंथेलपी को मास से डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट में तो हो गया तो स्पेसिफिक इंथेलपी क्या होगा मास डिपेंडेंट हो जाएगा पर यूनिट मास के लिए हो रहा है प्रॉपर्टी तो वो क्या होगा आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा ठीक है वो मास इंडिपेंडेंट हो जाता है तो जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑल मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर आपका क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्लियर है तो जितने भी आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जितने भी आपके मास ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं वो सभी क्या है आपका आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो बाकी जितने भी मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है सभी क्या है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है यहां तक क्लियर होगा आई होप क्लियर है, चले आगे ठीक है देखिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एक्सटेंसिव इंटेंसिव हो गया अब देखिए अब इसमें देखते हैं कि जो हमारा क्यों एस्टेटिक्स प्रोसेस होता है देखिए यहां से ये टॉपिक अगर आपने समझ लिया तो इंट्रोपी में अभी आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और इन द थर्मोडानेमिक्स इज द वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसको आज तक किसी ने क्लियर नहीं कर पाया है बस एक आइडिया पे चल रहा है एक हाइपोथेटिकल आइडिया पे चल रहा है कि ऐसा फिनोमेना इनसाइड द मोलिकुज हो रहा है इस वजह से इंट्रॉपी होता है तो जो चीजें अभी मैं बताने जा रहा हूं यहीं से आपका रिवर्सबल और इ -रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होगा इसको आप ढंग से देखिएगा कि क्या होता है कौशी एस्टेटिक्स जो होता है कौशी एस्टेटिक्स एस्टेटिक प्रोसेस इसको फील करने की कोशिश कीजिए इसको रटने की जरूरत नहीं है इसको फील कीजिए कि क्या होता है कैसी एस्टेटिक्स का मतलब क्या होता है कैसी मतलब होता है ऑलमोस्ट कैसी का मतलब क्या है कौशी कौशी मतलब है ऑलमोस्ट मोस्ट एस्टेटिक मतलब एस्टेटिक मतलब क्या होता है स्थिर ठीक है ऑलमोस्ट एस्टेटिक एस्टेटिक ठीक है फर्स्ट क्या बोला कौशी मतलब ऑलमोस्ट एस्टेटिक मतलब रिमेंस एस्टेशनरी वेरी स्लोली स्लोली मूव करेगा तो वो क्या करेगा हमारा कौशी एस्टेटिक्स कहलाएगा ठीक है तो कौशी का मतलब है ऑलमोस्ट ये चीजें दिख नहीं रहे है, मैं फिर से लिखता हूं देखिए कौशी मतलब ऑलमोस्ट एस्टेटिक एस्टेटिक मतलब क्या होता है स्थिर तो कौशी एस्टेटिक्स प्रोसेस को लिए हम लोग देखते हैं तो कौशी एस्टेटिक प्रोसेस क्या कहता है कि वैसा प्रोसेस जो क्या होगा ऑलमोस्ट वैसा थर्मोडाइनमिक प्रोसेस ऑल थर्मोडानेमिक प्रोसेस जो क्या होगा ऑलमोस्ट स्थिर प्रोसेस होगा प्रोसेस तो होगा लेकिन क्या होगा वेरी स्लोली स्लोली परफॉर्म करेगा तो वो क्या कहलाएगा आपका कौशी एस्टेटिक्स लेकिन उसके साथ कंडीशन है कि क्या होना चाहिए तो एक एग्जाम्पल के साथ देखते सपोज दैट हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम ये हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर आपका सिस्टम है ठीक है ये है आपका पिस्टन और इसमें एक सर्टेन गैस हमने फिलअप कर रखा है ठीक है इसका प्रेशर पी वन वी वन एंड टी वन ये प्रॉपर्टी दे रखा ये P1, T1, है ये सारे प्रॉपर्टीज है इसके पी वन वी वन एंड टी वन ठीक है ये प्रॉपर्टी जिसके दे रखे हैं ये हमारा पिस्टन है यहाँ पे क्या है ये स्टॉपर लगा हुआ है ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है इसे समझने की कोशिश कीजिएगा फिर बाकी चीजें भी आपको समझ में आ जाएगी ये एक ब्लॉक रखा हुआ इस पर इसका मास एम है ठीक है ये गैस है अभी क्या है ये इक्विबरियम स्टेज में है इक्विब्रियम स्टेज कहने का मतलब कि जितना एम फोर्स नीचे की ओर लग रहा था ये एम फोर्स लगा रहा था नीचे की ओर उतना ही क्या कर रहा है इसके प्रेशर जो है प्रेशर फोर्स जो ऊपर लग रहा था ये पी जो फोर्स लग रहा था पी एन एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए बॉथ आर काउंटर बैलेंस टू इच अदर इस तरह से है, ठीक है दोनों क्या कर रहा है एक दूसरे को इस तरह से बैलेंस कर रखा है एम जी फोर्स जो लग रहा है वो एम जी फोर्स क्या रहा है? पिस्टन के मास जो लगे हुए हैं लग है। तो हम लोग पीबी डायग्राम पर इंडिकेट करते हैं तो पीबी डायग्राम अगर देखे, ये, ये देखिए ये आपका अभी दिखा रखा है कि ये इसका प्रेशर पी वन एंड बोलू V1 है टेम्परेचर T1 है, ठीक है एंड टम्परेचर T1 है यहां पे, है, ठीक है अब जैसे ही आप इस ब्लॉक को यहां से रिमूव करेंगे यहां से इस ब्लॉक को ये जो मास है इसको जैसे ही हम यहां से रिमूव करेंगे ये क्या होगा सडनली मूव करेगा और ये जो स्टॉपर लगा हुआ है वो स्टॉपर को आके जस्ट आके क्या करेगा स्ट्राइकआउट अनबैलेंस फोर्स होगा आप मास्क हटाएंगे एम जी रिमूव हो जाएगा इसको जैसे ही आप हटा देंगे यहां से ये एम जी क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा और पिस्टन क्या करेगा ये जो फोर्स लग रहा था प्रेशर फोर्स लग रहा था उसकी वजह से वो स्लाइटली फास्टली मूव करके आएगा और यहां पर आके स्ट्राइक आउट करके ये ऐसे रुक जाएगा ये ये, ये। तो ये जो मोशन हुआ यहाँ से यहाँ तक ये रैपिड मोशन हुआ रैपिड मोशन कहने का मतलब कि फास्टली क्या किया यहाँ से पिस्टन यहाँ पे आ गया ठीक है और इसको हम लोग डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं ऐसे डॉटेड लाइन क्यों क्योंकि दे इज नो एनी मीनिंग ऑफ दिस प्रोसेस इसका कोई भी मीनिंग नहीं है ये जो प्रोसेस हो रहा है इसका कोई मीनिंग नहीं है डॉटेड लाइन हमने क्यों इंडिकेट किया क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है ये मीनिंगस प्रोसेस है इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है. ठीक है अब रही बात कि मीनिंग कैसे आएगा तो मीनिंग लाने के लिए हमने क्या किया ये जो ब्लॉक था इसको हमने नंबर्स ऑफ पीस में डिवाइड कर दिया इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पीस में हमने इस एम ब्लॉक को डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है अब क्या किया अब यहां से फर्स्ट ब्लॉक उठाया एक ब्लॉक जो एन एन नंबर में हमने डिवाइड कर दिया एक ब्लॉक को उठाया यहाँ से पिस्टन क्या होगा जैसे ही ब्लॉक को उठाएंगे स्लाइटली इसका यहाँ से मास रिमूव होगा एम फोर्स आपका कम होगा तो प्रेशर उसको क्या करेगा स्लाइटली मूव करेगा फिर इक्लेबरियम में आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ चला ये इक्लेबरियम में आ गया फिर दूसरा पीस हटाया फिर ये चला फिर ये इक्लेबरियम में आया फिर तीसरा पीस उठाया फिर इक्लेबरियम फिर ये कंटिन्यू और ये फिनोमेना चलता रहा तो इनफाइट नंबर ऑफ जो आपके पार्ट्स थे फ्रेगमेंट्स पार्ट थे सबको वन बाय वन करके हमने क्या किया यहाँ से रिमूव किया तब ये पिस्टन कहाँ आया धीरे धीरे फर्स्ट पीस उठाया आया इक्लेबरियम में सेकेंड इक्लेबरियम इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इक्लेबरियम पॉइंट इस पाथ पे बन गए ये जो पाथ आप देख रहे हैं इस पर क्या हो गया इन्फाइट नंबर ऑफ इक्लेबरियम पॉइंट बने तो इसीलिए क्या कहेगा कि ऑलमोस्ट स्लो एलो ऑलमोस्ट एस्टेटिक मतलब ये पिस्टन जो यहां तक आया होगा आपको विजुलाइज भी नहीं हुआ होगा इतनी स्लोली ये आया होगा कि आप उसको देख नहीं सकते बट वो यहां तक पहुंच गया इतनी स्लोली वो मूव किया ठीक है तो इस बात पे क्या होगा इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ आपके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एस्टेटिक पॉइंट इकोलोब्रियम पॉइंट इस पर बने हैं जिसके थ्रू होके पिस्टन यहां से इस इस पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन आपका पी टू टू तक P2, V2 and T2 तक आ गया ठीक है अब रही बात क्या अगर पिस्टन यहां से यहां तक आया तो सर्टन इफेक्ट आपका एनवायरनमेंट पे डाला या नहीं डाला जो बाहर में है हाँ जी डाला कैसे स्टेटिक साइज का मतलब ये नहीं कि ये इफेक्ट नहीं डाल रहा ये इफेक्ट डाल रहा है लेकिन जब जैसे जैसे जितना जितना आपने फ्रिक्शन आपने इस पर डाला था जब ये ऊपर से नीचे की ओर आया था उसी तरह से जब एक एक करके फ्रेगमेंट आप इस पिस्टन पे यहाँ से डालते जाएंगे तो ये नीचे की ओर उसी पाथ पे रिटर्न होगा जिस पाथ पे आया था सेम इसी पाथ पे अब एक फ्रेगमेंट डालेंगे ये फिर यहाँ से क्या हो जाएगा रिटर्न बैक होकर यहाँ पर आ जाएगा फिर दूसरा डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फिर तीसरा डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फिर चौथा डालेंगे तो यहाँ पर पाँचवा यहाँ और छठा डालेंगे तो फिर जहां से स्टार्ट किया था वहां तो ये जिस पाथ पे ये आया था उसी पाथ पे एग्जैक्टली रन गया अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस तो इसी पाथ पे ये आया था और सेम इसी पाथ पे एग्जैक्टली जिस जिस पाथ पे आया था तो जब ये पिस्टन ऊपर की ओर आया तो सर्टेन इफेक्ट एनवायरमेंट पे डाला और सेम जितना इसने डाला था जब ये ऊपर से नीचे की ओर आया तो जो इफेक्ट डाला था वो रिटर्न बैक हो गया ठीक है तो उसी लिए इसी पाथ पे गया इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग कौशी स्टेटिक्स प्रोसेस इज अ रिवर्सबल प्रोसेस इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि ये आपका रिवर्सबल प्रोसेस है रिवर्सबल प्रोसेस रिवर्सबल प्रोसेस का मतलब है देर इज नो एनी इफेक्ट बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग और ऑन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम मतलब कि सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डाला जाएगा नहीं सराउंडिंग क्या करेगा सिस्टम पे कोई इफेक्ट डालेगा तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है और जहां पे आपका सिस्टम सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है और सराउंडिंग सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है वहां पर चेंज इन द एंट्रोपी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसीलिए क्या कहते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई भी एंट्रोपी आपका नहीं इंक्रीज करता है नहीं डिक्रीज करता है मतलब चेंज इन द

ये क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस हर्ष पढ़ा था इसको पहले इसको क्या बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं प्रोसेस बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस का यस सर पढ़ा था ठीक है कुछ समझ में आ रहा है मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा ठीक है तो ये है आपका रिवर्स मतलब कि इज नो एनी इफेक्ट द सिस्टम ऑन जब ये यहां से आया और यहां से रिटर्न चला गया तब लेकिन जिस समय ये आ रहा है आने के समय सर्टेन इफेक्ट डाला था जब ये रिटर्न चला गया तभी जाके जितना इफेक्ट डाला था वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया ठीक है तो ये क्या कहलाएगा आपका ये कहलाएगा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा ठीक है तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस एंड ई रिवर्सिबल प्रोसेस इंट्रॉपी होता क्यों है ड्यू टू द द ऑफ़ सिस्टम सिस्टम यदि में रिवर्स में जितने भी सिस्टम है उसमें अगर इरिवर्सिबिलिटी रिवर्सिबिलिटी नहीं हो तो इंट्रॉपी जेनरेशन समाप्त इंट्रॉपी होता ही नहीं और इनवर्स में कोई भी ऐसा चीज है ही नहीं जिसका इंट्रोपी जनरेट नहीं करता एवरीडे सिस्टम का इंट्रोपी इंक्रीज करता है आप जैसे क्योंकि उसमें क्या है सिस्टम कभी भी आइडियल हो ही नहीं सकता रिवर्सबल हो ही नहीं सकता हंड्रेड परसेंट आप कभी भी आपका आइडियल सिस्टम हो ही नहीं सकता मतलब सिस्टम में इ होगी रिवर्सिलिटी होगा तो इंट्रोपी होगा इनिवर्सिलिटी नहीं होगा अगर रिवर्सबल होगा तो इंट्रोपी नहीं होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है अगर इंट्रोपी फाइंड आउट करना है किसी भी सिस्टम का तो हमें निकालना होगा कि हाउ मच इिवर्सिलिटी ऑफ द सिस्टम कितना सिस्टम की इनिवर्सिलिटी है और जितना फैक्टर होगा इनिवर्सलिटी सिस्टम का उतना ही क्या होगा वो सिस्टम उस सिस्टम में उतना ही ज्यादा इंट्रोपी होंगे अच्छा इंट्रोपी भी जो आगे पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा दो तरह के इंट्रोपी होते हैं इंटरनल इंट्रोपी और एक्सटर्नल आपका एक्स जनरेशन होता है इनसाइड द सिस्टम जो मोलिकुलर फेनेमेना होता है उसके वजह से होता है और एक्सटर्नल होता है जो सराउंडिंग का इफेक्ट सिस्टम पर पड़ता है उसके वजह से जो हीट ट्रांसफर आप लोग कंफ्यूजन कंसेप्ट में बैठा हुआ है कि ओनली अगर हम लोग जानते हैं कि डी एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी अगर हीट ट्रांसफर होगा तभी इंट्रॉपी होगा ना ऐसा नहीं है आइसोलेटेड सिस्टम में भी इंट्रॉपी जनरेशन होता है ठीक है इनवर्स इज आइसोलेटेड सिस्टम बट इनवर्स का एवरीडे इंट्रॉपी इन इंक्रीज कर रहा है क्यों? क्योंकि हाँ नंबर्स डेवलप हो आप डे टू डे पॉपुलेशन बढ़ रहा है डे टू डे व्हीकल्स बढ़ रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह हम जिस जैसे जा रहे हैं जितना इफेक्ट हमने सराउंडिंग पे डाला है उतना इफेक्ट रिटर्निंग में हम रिटर्न बैक ले नहीं रहे ठीक है थेका? तो एवरी डे क्या इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है क्यों ड्यू टू तो इरिवर्सिबिलिटी तो रिवर्सिबल सिस्टम और रिवर्सिबल सिस्टम क्या है अ सिस्टम दैट कैन नॉट इफेक्ट और दैट कैन नॉट ट्रेस एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग और बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस ठीक है क्या होगा रिवर्सिबल प्रोसेस और थर्मोडाइनमिक प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच देयर इज नो एनी इफेक्ट बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग देयर इज नो एनी ट्रेस देयर इज नो एनी इफेक्ट बाय द सिस्टम इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा system है कि ऐसा है है आपके आपके घर के आसपास रह लेकिन आपसे कुछ लेना देना नहीं, है ना आपको कुछ कुछ लेना है, कुछ लेना है ना लेना है ना ना उनको आपसे आप उनको कुछ देंगे ना वो आपको कुछ देंगे ठीक है तो वो क्या कर लगा नहीं वो आपको डिस्टर्ब करेंगे ना आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तो ये क्या होगा आपका, आपका रिवर्सबल सिस्टम जो संभव नहीं है अगर आपके पड़ोसी हैं तो आपको डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे आप उनके पड़ोसी तो आप उनको डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे इसका मतलब कि सिस्टम रिवर्सिबल नहीं हो सकता ठीक है तो सिस्टम रिवर्सिबल नहीं हो सकता इरिवर्सिबल होगा तो जो फैक्टर जितने भी सिस्टम है जो क्या करेगा सर्टेन इफेक्ट डालेगा सर्टेन ट्रेस इफेक्ट डालेगा सराउंडिंग पे और सराउंडिंग भी उस पर इफेक्ट डालेगा तो वो सारे सिस्टम क्या करेंगे आपका

ये जो आप देख रहे हैं ये जो सर्टेन इफेक्ट डाला है ठीक है यही क्या करेगा इंट्रॉपी जनरेट करेगा क्लियर है ठीक है तो ये जो आप चीजें देख रहे हैं जो इंट्रॉपी जनरेशन हो रहा है इंट्रॉपी जो डेवलप हो रहा है ये इंट्रॉपी इसीलिए डेवलप हो रहा है ठीक है कि आपका जो सिस्टम है जो सिस्टम आपका जो है वो परफेक्ट नहीं है जिस पाथ पे गया था उस पाथ पे रिटर्न नहीं आया मतलब कि सर्टेन इफेक्ट सिस्टम ने सराउंडिंग पे डाला और सराउंडिंग ने भी सिस्टम पे डाला इसीलिए क्या हो रहा है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ और जब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है इसका मतलब है कि इिवर्सबल हुआ तो सर्टेन लॉस होगा और जहाँ पर लॉस होगा वहाँ पर क्या होगा एंट्रोपी होगा वहाँ पर इंट्रॉपी क्या होगा होगा ही होगा तो ये कहलाता है आपका रिवर्सिबल सिस्टम एंड ई रिवर्सबल सिस्टम अब आगे देखते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम आगे चलेंगे इन तो बहुत आगे है तो इन ट्रॉपी अभी नहीं आएगा अब आज कुछ टॉपिक देख लेते हैं फिर नेक्स्ट डे दे देखेंगे कल मन आपका ये फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन रखेंगे ये क्लास ठीक है तो आज कोशिश करते हैं कि आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मरज तक पहुंच जाए फिर उसके बाद सेकेंड एक रिलेशन भी हमें देखना है टेम्परेचर डिफरेंट uh, uh, ये स्टीम पॉइंट uh, और आइस पॉइंट इसका टेम्परेचर रिलेशन जो देखेंगे फैर एंड हाइट स्केल और इसमें वो उसमें रिलेशन पे आता है कभी कभी नूमेरल तो उसको देख लेंगे ठीक है तो आगे चलते हैं इसको देखते हैं ठीक है कौशी एस्टेटिक्स हो गए अब आते हैं हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम सपोज दैट हमारे पास आप स्टडी फ्लो जब पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम ही देखते हैं ठीक है कि अभी जो बल रहा था शिवम कि सर अनस्टडी फ्लो बताइए सबसे पहले हमें कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम के बारे में जानना होगा ये क्या होता है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम क्या होता है देखिए जो वॉल्यूम जो कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसका क्या होगा वॉल्यूम शुड बी कॉन्स्टेंट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होना चाहिए वॉल्यूम इसका जो पहले था अभी अगर इसका वॉल्यूम V1 है तो ये क्या होगा ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है V1 तो ये क्या होना चाहिए यहाँ से सर्टेन मास इंटर कर रहा है M1 और यहाँ से सर्टेन मास M2 बाहर जा रहा है ठीक है तो अगर ये मास जो इंटर कर रहा है या एनर्जी इंटर कर रहा है एनर्जी आउट हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जो इसके अंदर की जो मास की जो क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए मतलब ये क्वेश्चन ये है अगर मास एम वन इंटर किया है तो एम वन शुड बी इक्वल टू एम टू तभी ये कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम होगा जो स्टडी फ्लो में आप देखेंगे ठीक है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम आपने पढ़ा होगा कंट्रोल वॉल्यूम तभी होगा जब क्या होगा जितना मास यहाँ पे इंटर किया है उतना ही मास यहां से आउट होगा अब रही बात या कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम जो होगा उसके जो लाइंस होंगे जो उसके शेप होंगे क्या वो फिक्स होंगे नहीं जी ये भी क्या हो सकता है फिक्स भी हो सकता है और इमेजनरी भी हो सकता है अगर कोई टैंक आपने लिया है तो उसके सेप एंड साइज क्या है फिक्स है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम तो उसके फिक्स होंगे लेकिन अगर सपोज दैट आपने कोई इमेजनरी यहाँ से हमने ऐसे कंसिडर कर लिया ये तो इसके अंदर का वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए इसका मतलब क्या हो गया अभी हमारा इमेजनरी जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम ये था अब कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम हमारा ये हो गया अब हम यहाँ तक चीज़ों को फोकस आउट करेंगे कि वॉल्यूम शुड बी कॉन्स्टेंट है या नहीं है ठीक है तो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में भी फिक्स्ड एंड इमेजिनरी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा कहां तक का एरिया आप कंसीडर कर रहे हैं कितना आप रीजन ले रहे हैं जिसमें क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन है मैं देख रहा था लास्ट ईयर गेट में आया क्वेश्चन कि आ, ये था गेट में क्वेश्चन आज ही मैं देख रहा था तो ये क्या कहलाएगा आपका कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है क्वेश्चन क्या था कि अगर आपका जो ऐसा थर्मोडाइनिक प्रोसेस बताइए बताइए जिसमें कि एटलीस्ट वन आपका आइसोथर्मल तो प्रोसेस हो चॉइस थे उसमें ऐसे थर्मोडाइनिक प्रोसेस फर्स्ट चॉइस था उसमें फर्स्ट चॉइस फर्स्ट चॉइस था आपका ऑटो साइकिल फर्स्ट था ऑटो साइकिल एंड सेकेंड था आपका डीजल साइकिल डीजल साइकिल सेकेंड था आपका रैंकाइन साइकिल रैंकाइन साइकिल एंड आपका ब्रिटन साइकिल ब्रिटन साइकिल ठीक है थर्ड था आपका हाँ कार्नट साइकिल कार्नट साइकिल एंड स्ट्रीलिंग साइकिल थर्ड फोर्थ था आपका ऑटो ऑटो डीजल एंड ड्यूल साइकिल बताइए कौन सा होगा इसमें क्या है एटलीस्ट वन थर्मोडाइनमिक प्रोसेस होना चाहिए ऐसे थर्मोडाइनमिक साइकिल जिसमें एटलीस्ट वन आइसोथर्मल प्रोसेस हो कौन सा हो गया बताओ शिवम बताओ भारद्वाज शिवम राजपूत हर्ष फर्स्ट वन इज ऑटो डीजल साइकिल सेकेंड वन इज रैंकाइन साइकिल ब्रिटन साइकिल थर्ड वन इज कार्नोट साइकिल स्टर्लिंग साइकिल और फोर्थ वन इज ऑटो डीजल एंड ड्यूअल साइकिल कार्नोट साइकिल एंड स्टर्लिंग साइकिल शिवम राजपूत शिवम राजपूत सही है बेटा हर्ष सही है कार्बन साइकिल में आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है दो आइसोथर्मल दो एडियाबेटिक होता है एस्टिरलिंग में भी आपका यही होता है ठीक है तो आइसोथर्मल उसमें होता ही होता है तो यही होगा बाकी ये सारे में क्या होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है इसमें ऑटोसाइकिल में आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है ऑटोसाइकिल में कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड एडियाबेटिक आइसो आइसनट्रोपिक होता है इसमें आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर आइसनट्रोपिक होता है रैंकाइन साइकिल की बात करेंगे तो रैंकाइन साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर होता है ठीक है एंड ट्रोपिक होता है बेटर साइकिल में भी वही होता है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल डील सब में तो आपका यही बता है कार्नोट साइकिल एंड आपका ये एक्स्टेलिंग साइकिल ठीक है अब एक और क्वेश्चन था एच से क्वेश्चन था बहुत अच्छा जो लास्ट ईयर आया है क्वेश्चन कि एक स्टॉल स्टील बॉल है ठीक है एक स्टील बॉल है हाई टेम्परेचर पे उसको क्या किया गया लो टेम्परेचर पे एक लिक्विड एक लिक्विड है उसमें लो टेम्परेचर पे डाला गया ठीक है एक स्टील बॉल है हाई टेम्परेचर पे ठीक है और उसको ड्रॉप किया गया लो टेम्परेचर लिक्विड में लो टेम्परेचर लिक्विड में उसको ड्रॉप कर दिया गया ठीक है तो आपके उसके सेंटर का प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने के लिए क्या पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे क्या पैरामीटर आप फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट वन जो था फर्स्ट वन बोल रहा था first one is buyout number buyout number and fourier number second one is fourier number and hesler chart third one is बॉथ फोर्थ वन इज हाँ फोर्थ वन इज कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी बताइए कौन सा होगा फर्स्ट है बायोट नंबर एंड फोर नंबर सेकेंड है फुरीयर नंबर और हेस्लट चार्ट थर्ड है बॉथ एंड फोर्थ है कंडक्टिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिबिटी क्या होगा इसमें क्या बोला एक बॉल है स्टील बॉल सॉरी मेटेलिक बॉल है वो हाई टेम्परेचर पे है एक बॉल है एस, आ, मेटेलिक बॉल है हाई टेम्परेचर पर है उसको लो टेम्परेचर लिक्विड में ड्रॉप किया गया ठीक है तो उसके सेंटर का प्रॉपर्टीज फाइंड आउट जो बॉल का जो सेंटर होगा उसकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज मीन्स टेम्परेचर प्रेशर एनीथिंग कुछ भी ठीक है अब हाई है तो टेम्परेचर के ही बारे में स्टडी होगी ठीक है तो उसके लिए बोल रहा है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज हमें जाननी चाहिए व्हाइट नंबर या फुरियर नंबर फुरियर नंबर हेस्लर चार्ट बहुत और उसके बाद कंडक्टिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी फर्स्ट ऑप्शन है वाइट नंबर फूरियर नंबर सेकेंड है फूरियर नंबर एंड हैजॉर चार्ट थर्ड है आपका बोथ एंड फोर्थ है आपका कंडक्टिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी समझ में आया हर्ष चलिए तब तक मैं कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम पे आता हूं आप सोचिए इसको इसका डायग्राम बनाना है तब तक मैं बनाता हूं सर तो ये नहीं आता अभी एच एम टी रिवाई इसमें बेटा ब्वाइट नंबर और फुड़ियर नंबर होगा क्योंकि आपको याद होगा थर्मोडाइनेक्स में जब हमने पढ़ाया था कि ट्रांजिएंट और एस फ्लो जब हम लोग ट्रांजिएंट की स्टडी करते थे तो सबसे पहले क्या करते थे व्वाइट नंबर निकालते थे और व्ट नंबर चेक करते थे शुड बी लेस देन इक्वल टू तो जीरो आएगा तभी हम ट्रांजेंट इक्वेशन लगाएंगे और अगर उससे ज़्यादा आता था तो हम ट्रांजेंट इक्वेशन में एरर आता था ठीक है तो व्वाइट नंबर और आपका फोरियर नंबर ये बताएगा कि जो सिस्टम जो है आपका लम्ब सिस्टम है या नहीं है अगर लम्ब सिस्टम होगा तो क्या होगा फ्लो जो होगा एवरीवेयर जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर होगा सभी जगह क्या होंगे आपका इक्वल टेम्परेचर होगा तभी तो वो लम्ब सिस्टम कहलाता था तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन था बॉयट नंबर वो बॉयट नंबर को हम लोग इसको चेक करेंगे कि बॉयट नंबर जो है शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो पॉइंट वन आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा लम्स सिस्टम होगा और उसमें ट्रांजेंट इक्वेशन लगेंगे तो उसमें हम लोग व्हाइट नंबर और फूरियर नंबर ही चेक करते हैं लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था ठीक है चलिए इसको देखते हैं ये क्या है कंसेप्ट ऑफ कंटीन्यूम की बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कंटीन्यूम है तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम आपने थोड़ा मोटा पढ़ा होगा ठीक है इससे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या है ये लेटेस्ट कंसीडर ये हमारे पास कोई सिस्टम है ठीक है ये एक सिस्टम है आपका ये सिस्टम है ये पॉइंट पी है इसका सेंटर ठीक है अब इस सिस्टम का अभी क्या है इसका मास मान लिया हमने कि डेल एम है और इसका वॉल्यूम कितना है डेल बी है ये है ठीक है अब इस सिस्टम को क्या किया ये सिस्टम ये है जो तो इसका ये जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं ये कैसे आया ये कंटिन्यूम करने का मतलब क्या है उसको ज़रा सा हम लोग देखते हैं तो ये सिस्टम है अब इसको क्या करें हम धीरे धीरे अगर इसकी प्रोपर्टीज़ के बारे में स्टडी करें इसमें कोई भी कैबिटी नहीं है कोई भी इसके ये जो सिस्टम है ये आपका क्या है हंड्रेड परसेंट आपका कैविटी फ्री है इसमें कोई भी डिसऑर्डरनेस नहीं है कोई भी कैविटी नहीं है कोई भी इसमें होल नहीं है हंड्रेड परसेंट क्या है यह सिस्टम जो है आपका कंटिन्यू है कंटिन्यू करने का मतलब द मोलिकल्स आर इनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें क्या है जितने भी मोलिक्यूल्स है वो इनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं भी कोई भी इसमें एरर नहीं है कोई भी इसमें डिफेक्ट नहीं है क्लियर ठीक है अब रही बात कि अब जो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करें तो बात है ये सिस्टम है तो इसमें ह्यूज तो 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 क्या होगा ओवरऑल इफेक्ट ही तो आएगा अगर प्रेशर लेंगे टेम्परेचर लेंगे तो इसमें जितने भी मोलिकूल होंगे सभी का टेम्परेचर का एवरेज वैल्यू निकालेंगे वो बताएगा इसका टेम्परेचर इसके जितने भी मोलिकूल होंगे सबका वोलिसिटी निकालेंगे तो वो बताएगा इसमें कि सेकेंड कोलिजन कितना हो रहा है ये सभी जो सेकंड कोलिजन लगा रहा है फोर्स लगा रहा है तो सभी का अगर एवरेज वैल्यू निकाले तो वो प्रेशर बताएगा ठीक है अब रही बात कि इतने ज्यादा मोलिकुल्स हैं कि इसमें से अगर कुछ मोलिकुल्स आउट हो जाए या इसमें कुछ मोलिकुल्स आ जाए तो इसके प्रॉपर्टीज में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा दैट इज नोन एज ऑफ दैट इज नोन एज डोमेन ऑफ कंटिन्यूम तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इधर की ओर दिस ह्यूमन इज नोन एज डोमेन ऑफ कंटिन्यूम इसको हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन ऑफ कंटिन्यूम डबल यूएम ठीक है ये क्या कहलाएगा कंटिन्यूम का लगा लेकिन जैसे अब क्या करें यहां पे दिखाई दे रहा है कि नहीं हर्ष बताना बेटा अगर दिखाई नहीं दे रहा ये हमने लिखा है डोमेन ऑफ कंटिन्यूम इधर है डोमेन ऑफ कंटिन्यूम जहां पे हमें डिस्क्रीट प्रॉपर्टीज नहीं लग रहा है जहां पे हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है मॉलिक्यूल्स आ रहा है, जा रहा है उसके प्रॉपर्टीज में कोई इफेक्ट नहीं रहा है तो वो डोमेन ऑफ कंटिन्यूम सिंपल सी बात है एक समंदर है उस समंदर में से थोड़ा सा पानी अगर आपने एक बूंद निकाल लिया या फिर एक लीटर दो लीटर निकाल लिया तो उसके लेवल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है सिमिलरली यहाँ पे क्या है कुछ मोलिकुल्स इसमें एंटर कर जाए या इस यहां से कुछ मेटेरियल को आप निकाल लीजिए तो उसके प्रॉपर्टीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दैट मीन्स ये कंटिन्यूटी जो ये कंटिन्यूम जो मेंटेन था वो ऑलवेज मेंटेन रहेगा तो ये क्या कहलाएगा आपका डोमेन ऑफ कंटिन्यूम कहलाएगा यहां तक समझ में आ गया कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन ऑफ कंटिन्यूम डोमेन ऑफ कंटिन्यूम देर इज नो एनी इफेक्ट बाय द बाई

लेकिन सपोज दैट हम क्या करें ये जो देख रहे हैं सिस्टम इसके सिस्टम को श्रिंक करते जाए छोटा होने लगे ये सिस्टम ऐसे ऐसे इसके क्या करें वॉल्यूम को डिक्रीज करते जाए ये जो वॉल्यूम था इसका इधर की ओर डिक्रीज होने लगे ठीक है ऐसे डिक्रीज होने ये सिस्टम जब डिक्रीज होने लगेगा तो जैसे जैसे सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल विल ऑल्सो डिक्रीज मास विल ऑल्सो डिक्रीज ये डिक्रीज होके पॉइंट पी के लॉन्ग हो रहा है

तो ये जो रीजन कल आएगा जहां से ये इफेक्ट दिखने लगा दैट इज नोन एज डोमेन ऑफ डिसकंटिन्यूम दिस वन इज नोन एज डोमेन ऑफ डिसकंटिन्यूम डोमेन ऑफ डिसकंटिन्यूम इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ डिसकंटिन्यूम तो इस लाइन के इस तरफ आप देख रहे हैं कि सर्टेन इफेक्ट आपको दिख रहा है ठीक है एसएम एन टोप्स बन रहा है इस तरह के लेकिन इधर कोई भी एक स्टेट लाइन बन रहा है इस तरह से एक लाइन बन रहा है कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा था ठीक है मोलिकूस यहाँ पे आ रहा है जा रहा है कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है अब इसका जब साइज हमने छोटा सा सिंपल सी बात है बेटा अभी बता मैं, मैंने बताया कि समंदर में से अगर थोड़ा सा पानी आप निकाल लीजिए तो उसके लेवल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन सपोज दैट हमारे पास एक छोटे से बकट में पानी है उसमें से अगर आप निकालेंगे तो उसके लेवल पे इफेक्ट हमें दिखेगा अब जब एक छोटे से बकेट में पानी है उसमें से अगर आपने थोड़ा सा पानी निकालेंगे तो उसमें इफेक्ट वेरिएशन हमें दिखेगा, सेम रिकीजन यहां पे आ गया कि हमने क्या क्या सिस्टम को अब यह स्लिंक होने लगा छोटा होने लगा छोटे होने लगा छोटे होने, होने लगा और मेलिकूल मेलिकूल का वेरिएशन हो रहा है मेलिकुल्स यहां आ रहा है यहां से जा रहा है यहां आ रहा है यहां जा रहा है फिर मेरा चल रहा है एक सिचुएशन आया इसका साइज इतना छोटा हो गया कि यदि कोई मोलिकुल्स इसमें आ रहा है तो भी इफेक्ट दिख रहा है और जब जा रहा है तो भी तो जैसे जैसे ये सिस्टम इधर की ओर इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है देखिए तो मास पर यूनिट वॉल्यूम का इफेक्ट जैसे जैसे ये क्लोज होता जा रहा है वॉल्यूम डिक्रीज बहुत कम जब हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा

द सेम टाइम अगर यहाँ से मोलिकूस आउट हो गया तो ये आएगा फिर सर्टेन मोलिकल्स इन कर गया आउट हो गया तो ये आएगा इन करेगा तो ये आएगा आउट होगा तो ये होगा तो ये फिन कब दिख रहा है जैसे जैसे वॉल्यूम घट रहा है तो वैसे वैसे क्या देखे? ये वेरिएशन ज्यादा हमें दिख रहा है जब ये यहां पे आ गया तो ये जब जब से आउट हुआ तो 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 ये ये आया बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें जितना छोटा होता जाएगा सिस्टम उतना ज्यादा वेरिएशन दिखेगा लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट था जहां तक ये वेरिएशन हमें विजुअल नहीं था वो पॉइंट क्या था वही लाइन जो था ये पॉइंट था वही कहलाता था डोमेन ऑफ कंटिन्यूम कहलाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन ऑफ कंटिन्यूम बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं डोमेन ऑफ डिसकंटिन्यूम बोलते हैं मैंने भी कई तरह के वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे इस तरह के, के समझाने के किसी ने भी इस चीज़ को क्लियर नहीं किया आप भी सर्च करके देख लीजिएगा ये चीज़ें किसी ने भी क्लियर नहीं किया है कि वाट इज़ द मीनिंग ऑफ ये डिफरेंट तरह के रीज़न जो बन रहा है ये क्यों बन रहा है ठीक है तो इससे बेटर अब क्लियर मैं नहीं कर सकता था अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए अदरवाइज फिर आगे चले क्या टाइम हो गया चलो आज एक घंटा हो गया आप कल देखते हैं बताओ हर्ष यहां तक क्लियर है डोमेन ऑफ कंटिन्यूम डोमेन ऑफ डिसकंटिन्यूम चलो पहले से जानते थे इसका मीनिंग ये क्या था पहले से पता था ये चीज़ें रिवाइज किया था आपने ये, ये इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है चलिए तो ये अब आप इसको क्या कीजिए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए इस वीडियो को और बोलिए कि वो ज्वाइन करें कल भी मैं पांच बजे शुरू करूंगा ठीक है छः बजे तक कल हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर लेंगे ताकि थ्योरी पार्ट हो जाए कल मैं आपको सारा जो साइकिल का डायग्राम कैसे बनाते हैं पी भी पी टी बी टी टी एस वो डायग्राम रिवाइज करा के तब हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाएंगे उस पर ठीक है तो कल थोड़ा सा डिफरेंट यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्लास होगी तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड जो तैयारी कर रहे हैं जो आपके ग्रुप में जब जो आपने बताया था जो तुम्हारे प्रोजेक्ट में ग्रुप में थे या जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए कि इसमें कोई चार्ज तो लगने हैं नहीं आपको सिर्फ क्लास करने हैं मेरा भी मोटिव यही है कि मैं भी चीज़ों को कंटिन्यू कर रख पाऊँगा और मेरे पास जो चीज़ें हैं वो रहेगा क्योंकि एक टीचर जब तक तो पढ़ाता नहीं है तब तक तो उसे सुकून मिलता नहीं है तो मैंने इसीलिए शुरू किया मैंने कई वीडियो देखे जो मुझे सेटिस्फैक्ट्री उतनी लगी नहीं तो मैं सोचा चलो मैं भी शुरू करता हूँ तो इसीलिए मैंने शुरू किया है तो जितने ज़्यादा जो लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसको कंटिन्यू करने का अदरवाइज़ काम में तो मैं भी बिजी हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको कंटिन्यू करूँ छोड़ूँ नहीं ठीक है तो आज रहने देते हैं फिर अब है हम लोग कल देखेंगे ठीक किसी पाँच बजे फिर ऑनलाइन होंगे वीडियो वगैरह अगर क्लियरटी नहीं होगी तो आप बताना कि क्या है तो फिर देखता हूँ कितना कर सकता हूँ क्योंकि ये लाइट तो इससे ज़्यादा तो बेटर कर नहीं सकता मार्कर उर्कर चेंज करके देख लूँगा ठीक है चलिए ओके बाय